हेलो, राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा, आज आप ही कंप्यूटर की लाइव क्लास कराएंगे, एक बार आवाज़ उज का सिस्टम चेक करके बता दो सही है के, ताकि स्टार्ट करा। ठीक है भाई, आवाज़ उज का सिस्टम, आवाज़ उज का सिस्टम एक बार चेक करके बता दो, अगर सही है तो स्टार्ट करा भाई। सारे ती राम राम भाई, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सारे ती राम राम। कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करा, अजय आवाज़ उज का सिस्टम सही हो तो बता दो भाई। ठीक है भाई, सही है तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रश्न, दाग दिया मैंने तारी छाती के ऊपर, मारे बगाएगी। प्रथम नेटवर्क जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी भाई, ऐसा कौन सा नेटवर्क था जिसकी वजह से इंटरनेट की नींव पड़ी। द फर्स्ट नेटवर्क फ्रॉम विच द इंटरनेट वाज फाउंडेड। हरियाणा पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल है जो फीमेल कॉन्स्टेबल का जो पेपर होना है 18-19 सितंबर ना, उसका खातर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर का टॉपिक भाई, जो फर्स्ट नेटवर्क है जिसकी वजह से इंटरनेट मिला है, जिस नेटवर्क की वजह से, उस नेटवर्क का नाम बताओ भाई। पहला नेटवर्क जिसकी वजह से इंटरनेट फाउंड हुआ है, उस नेटवर्क का नाम बताओ भाई। सारे थी गुड इवनिंग, सारे थी राम राम भाई, जल्दी स्टार्ट करो भाई, बताओ भाई जल्दी। जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी, फर्स्ट नेटवर्क है उसका नाम बताओ, के है उस नेटवर्क का नाम जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई जल्दी। बिल्कुल भाई, पी उड्डा का आ गया, अर्पानेट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, जो अर्पानेट है यो पहला ऐसा जो नेटवर्क था जिसकी वजह से इंटरनेट की नींव पड़ी थी। पर्सन आया उड़ा है हरियाणा पुलिस का है भी। और भाई ये जो HCS वाले बड़का ना, ये बता दो, कोई HCS का हो तो तारे साथी आदि बता दो, HCS के एडमिट कार्ड आगे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाए, उसका मैं गेट रख किया है लिंक। ठीक है भाई, 12 सितंबर ना पेपर होगा। एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, द पार्ट ऑफ ए डिस्क दैट कंटेन्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड। जो मास्टर बूट हुआ है, जो मास्टर बूट रिकॉर्ड हुआ है, वो कौन से चीज का अंदर रिकॉर्ड होया करा, यो प्रश्न पूछा गया भाई। डिस्क का कौन सा भाग का में मास्टर बूट है वो रिकॉर्ड होया करा, उस पार्ट का नाम बता दो भाई। डिस्क का कौन सा भाग का में मास्टर बूट रिकॉर्ड होया करा, उसका नाम बता दो फटाफट सी, जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी बताओ भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, बूट सेक्टर। जो बूट सेक्टर जो हिस्सा है इसका में है, मतलब यो डिस्क का एक ऐसा पार्ट है जिसका में मास्टर बूट रिकॉर्ड है, वो सारे के सारे से होया करे। मास्टर बूट मतलब बूट का मतलब होया करे, जो कर कंप्यूटर का में है ना, कुछ आप नया डाटा अपलोड करना चाहवा, मतलब कि जो कर विंडो का मैं कुछ नई चीज़ अपडेट करना चाहवा, तो वह चीज़ अपडेट करने का खातर जो आप मतलब कि डाटा डाला हाँ उसकी बूटिंग बोलिया करें। ठीक है, तो उस बूटिंग खातर जो भी मतलब जो डाटा होया करे, वो डिस्क का कौन सा भाग में रिकॉर्ड होया करे, बूट सेक्टर का में रिकॉर्ड होया करे, यह बात याद रखनी है भाई। अगला प्रश्न के मेमोरी के अनुक्रम में सबसे निम्नतम है, द लोएस्ट इन द सीक्वेंस ऑफ मेमोरी। जो कर मेमोरी की जो सीक्वेंस है उसका में जो सारे में जो निचला जो पार्ट है, जो लोएस्ट पार्ट है, उसकी के बोलना कौन सी मेमोरी है जो सारे में लोएस्ट है, या फिर इन माता कोई सी भी को नहीं बताओ भाई, कौन सी मेमोरी है जो सी सारे में लोएस्ट है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, कौन सी मेमोरी है जो सबसे लोएस्ट है। मनीषा राजपूत नुगा, आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता भाई, वो बेल का आइकन होया अगर उसकी प्रेस कर लो भाई, दाब दो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई। सौरव नुगा, पोल करवा दो भाई, पोल चालन लाएगा और क्या चल रहा है, जल्दी बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। उषा अंटिल सी, उन्नत सिंह बी सेकेंडरी। बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, जो उनसे सेकेंडरी मेमोरी हुआ है या निम्नतम मेमोरी हुआ है, लोएस्ट होया करे जो सीक्वेंस कम होया करे। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी होगा कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी का मैं ये आऊँ तारी के नाम है जुकर, या जो सी भी जुकर की के होया करे, रैम रोम को नहीं होंगे के इनका, मैं एक ही में तो प्राइमरी मेमोरी का मैं आया कर, जो कि कंप्यूटर का मैं से आया कर, और कुछ आया कर सेकेंडरी मेमोरी का मैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा जो लोएस्ट होया कर मेमोरी की सीक्वेंस में, वो आया कर सेकेंडरी मेमोरी। अगला प्रश्न के है भाई, कैश मेमोरी किन के मध्य कार्य करती है। जो कैच जो सुना हुआ कैश, कैश फोन ना का मैं भी देखा होगा, यो रपियाला कैश को नहीं, यो जो एक मेमोरी का यो भी बताऊँगा किस सिस्टम वो है, यो किस किस का बीच में काम करे अगर, ये बताओ भाई कैश मेमोरी है वो किस चीज़ का
बीच में काम करया कर, ये बताओ भाई सोनू अलावत को वीडियो साफ नहीं दिख रही भाई। भाई राइट हैंड साइड में तीन डॉट से दिखेंगे इन पदा और नीचा क्वालिटी में 360 कर ले दिख जाएगी साफ। ठीक है भाई, भाई सारे जने थी भाई गुग्गा नवमी की राम राम भाई। आधे जने नुए कौन मेरा गुग्गा नवमी हो के है, यो प्रश्न पूछा जाया करे भाई। गुग्गा का त्यौहार कड़े बनाया जाया करे, हरियाणा का में बनाया जाया करे। इस दिन क्या होया करे, एक डेरू होया करे, डेरू और उस दिन बजाया करे डुन 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 नु आवाज़ सुनी होगी तमने डुन डुन डुन। आज सारे दिन के आवन थे जो वो डेरू बजाते बजाते जो मांगना आया करे, ठीक है, वो सारे दिन आया करे, एक लंबा डंडा लेके आया करे, उसका गणित चुननी सी बंदी हो से, ठीक है, डम 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 कई जगह भंडारे भुंडूरे भी लग गया करें गुग्गाड़ा दिन। ठीक से तो बताओ भाई इसका इसका क्या आंसर आओगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई, सीपीयू और रैम, जो कैश मेमोरी हो वह सीपीयू और रैम का बीच का मैं काम करया करे, के सिस्टम हो है कैश मेमोरी। सीपीयू का मैं मतलब कि जो भी मतलब आप ही मतलब जो भी इंटरनेट का द्वारा या फिर कहते था भी इंटर कोई भी मतलब आप ही कंप्यूटर का मैं कुछ भी चलावा हाँ कुछ भी चलावा हाँ तो वह हने कैश का मतलब है उसकी मतलब छोटी छोटी शॉर्टकट बन जावे हैं कैश मेमोरी के। वह है जो भी आप ही चीज़ मान लो भी आप ही ना कंप्यूटर का मैं खोल लिया प्रोग्राम फाइल्स नाम का फोल्डर खोल लिया तो उसकी एक छोटी सी छोटा सा शॉर्टकट बन जाएगा अपने यहाँ पे, ठीक है। और वो शॉर्टकट के काम करेगा, वो जो शॉर्टकट बनागा जो अपने आप जो शॉर्टकट वो मतलब उसकी जल्दी चलाने में मदद करा भाई, ताकि आगे देता है ना दोबारा कदे वह फाइल खोलनी पड़े तो जल्दी खुल जावे, ठीक है। तो वो अलग अलग है ना, फिर वो घने स्टोर हो जाए कैश मेमोरी का, उसके घने शॉर्टकट बन जाए, तो घने शॉर्टकट बन जाए तो इसकी वजह था फिर कंप्यूटर की स्पीड भी कम हो जावे है, ठीक है। तो इसलिए हमें कैश मेमोरी समय समय पर साफ करती रहनी चाहिए, और जो कैश मेमोरी हो वो सीपीयू और रैम का बीच का मैं काम करया करे, ठीक है भाई। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। चार ऑप्शन दिए गए, मैंने बताओ कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, जल्दी कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, उस ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का नाम बताओ फटाफट सी फास्ट। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग जो भी गुड इवनिंग कवा है महेंद्रगढ़ से, राम राम भाई। तमनू बताओ पहला दो भाई कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है इनका, मैं था जल्दी सी गणी हवा ना लो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, ब्लू रे डिस्क, जो ब्लू रे डिस्क है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह है ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ये हो के है ब्लू रे डिस्क, या जो अगर तारी सी डी ओवन है सी डी की डाले हुआ है, लेकिन इसका मैं जो सी डी और डी वी डी इनका मैं सारे का मैं फर्क हुआ है। कदे कोई नो भी पूछ लें सी डी और डी वी डी के बीच में क्या डिफरेंस है कदे आ जा, तो जो सी डी ओवन है सी डी का मैं तो मतलब 756 एम बी कुछ ईसा सांग हुआ है इतना लग का ये स्टोरेज हुआ है, यानी कि कोई फिल्म हुआ 756 एम बी लग की फिल्म इसका मैं आसिक उस तक बड्डी को नहीं आ सकती। डीवीडी का मैं 8 जीबी तक का स्टोरेज हुआ है, ये मैंने एग्जैक्टली कौन मेरा 756 752 कुछ लेकिन 45 लाइन में हुआ है डीवीडी का मैं 8 जीबी किया हुआ है, लेकिन जो ब्लू रे डिस्क हुआ है या भी इससे की डाला हुआ है गोल गोल सीडी सी हुआ है, लेकिन इसका जो स्पेस है ये शायद मेरे हिसाब से 24 जीबी का करीब स्पेस हुआ है इसका, ठीक है। ब्लू रे डिस्क का 24 जीबी का करीब स्पेस हो, और इसका प्रयोग जो कर फिल्म फालम को नहीं होती सिनेमा हॉल का में फिल्म चल रहे हैं या फिर कोई भी एचडी जो मूवी हुआ है ना उसका खातर इसका यूज किया जाए, अगर इसका मैं ज्यादा बढ़िया डायमेंशन की चीज आसिक है तो उसका मैं ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किया जाए, इसलिए स्थिति के बोले अगर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस बोल रहा भाई। अगला प्रश्न क्या है, खालिस्तान कंप्यूटर में सबसे छोटी और तीव्रतम मेमोरी है, डैश इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर, जो सारे में छोटी और जो फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर का हमें वह कौन सी है बताओ भाई, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर के अंदर जो सबसे छोटी है, सबसे छोटी और फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर के अंदर जल्दी बताओ भाई। मैं इतना एक बार थोड़ा सा जल पी लूँ, ठीक है, ताम एक बार बताओ जल्दी सी बाकी सारे हम छोटी और फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर का मैं जल्दी भाई। आ गया भाई
बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। जो सारे हम जो फास्ट है और जो सारे हम छोटी मेमोरी हुआ कौन सी कंप्यूटर का में कैश जो मेमोरी हुआ सारे हम छोटी और सारे हम फास्ट मेमोरी हो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। जो कैश मेमोरी है वह सारे हम छोटी और सबसे फास्ट, ये भी बताई थी। इसका मैं शॉर्टकट क्रिएट हो जाए हैं जिससे जल्दी जल्दी काम करे अगर। अगला प्रश्न क्या है भाई, खालिस्तानी मेमोरी का एक प्रकार है जो बूट लोडर जैसे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर की धारणा करता है। डैश इज ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज बूट लोडर, मतलब कौन सी मेमोरी है जो कि बूट लोडर की तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हैंडल करती है उसको बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, उस मेमोरी का नाम बताओ। पी लिया भाई सौरव, जल पी लिया है, जल्दी बताओ भाई उस मेमोरी का नाम जो कि बूट लोडर की तरह कंप्यूटर को होल्ड करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, रोम जो मेमोरी है वह बूट लोडर की तरह कंप्यूटर थी हैंडल करा है, ठीक है। रोम जो मेमोरी हुआ या की हुआ अगर जो कर मैं तारती बता दूँ, रैम हुआ है ना, रैम हुआ है या तो अगर कंप्यूटर का गेल आया अगर है, इसका काम क्या हुआ है भाई, जो कर कोई भी तारी फाइल है कुछ भी मतलब है उसको मतलब उसके शॉर्टकट, इसका मैं भी शॉर्टकट बनाया करें, जो कर कैश मेमोरी का मैं शॉर्टकट बनाया करें नो, इसका भी काम ये हुआ है। जो कर तम फोन का मैं उनको 4 GB रैम वाला फोन 4/32 बोलिया करें, 4 GB रैम 32 GB रोम हुआ जो इंटरनल स्टोरेज हो उसकी रोम बोल रहे हैं, जो फोन का मैं इंटरनल स्टोरेज की मेमोरी हो है उसकी रोम बोल रहे हैं, मेरा लग गया ठीक है। जो सी तो रोम हो इसका मैं अगर बूट ये बूट लोडर होया अगर है ना, मतलब कि कुछ भी चीज़ कंप्यूटर का मैं लोड करनी है, कुछ भी नया डाटा कुछ भी नया सॉफ्टवेयर करना है तो बूट लोडर का द्वारा अगर, और वो रोम का मैं अगर स्टोरेज डिवाइस का मैं, ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या हुआ, एक खालिस्तान ऐसे निर्देश संग्रहित करता है जो कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक है। ए डैश स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर, मतलब इनका मतलब चारा का मतलब कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसका मैं इंस्ट्रक्शन स्टोर करे जाऊँ है कंप्यूटर थी स्टार्ट करने खातर, बताओ भाई कौन सा का मैं इंस्ट्रक्शन स्टोर करे जाऊँ कंप्यूटर से स्टार्ट करने खातर। आवाज को नहीं आती, आवाज आने लग रही है भाई, आवाज की कोई समस्या कौन भाई, आकाश है के तेरे कान ठीक करवा ले, आवाज मना सुन के देख ली यार, आवाज सही आवा है फालतू में दिमाग खराब करे, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई, एक ऐसे इसका बताओ भाई क्या होगा। बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, जो रैम जो है वो एक ऐसी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, वो सब इंस्ट्रक्शन किसका मैं आकर रैम का मैं आकर रेंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न क्या है, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर बंद करते हैं तब वह अपने आप ही खालिस्तान के कंटेंट मिटा देता है। व्हेन यू टर्न ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इट ऑटोमेटिकली इरेजेस द कंटेंट्स ऑफ खालिस्तान, मतलब कि भाई कभी भी मान लो भाई तुम कंप्यूटर दी बंद करो हो तो कंप्यूटर दी बंद कर दिया तो उसका पाछा वो ऑटोमेटिकली कौन से कंटेंट्स को मिटो देता है, यो प्रश्न पूछा गया है। जैसे ही तुम कंप्यूटर दी बंद कर दो तो कंप्यूटर बंद होंगे कौन से कंटेंट्स है वो अपने आप मिटो दिए जावे हैं, ठीक है, मतलब वो कौन सी चीज़ के कंटेंट्स हों जो अपने आप मिटो दिए जाऊँ उसका नाम बताओ भाई, जल्दी सी भाई, जैसे ही कंप्यूटर को बंद करते हो तो कौन से कंटेंट्स हैं वो जो अपने आप मिटो दिए जाते हैं। हेलो सर जी, पूनम को ब्लड कैंसर है उसको हेल्प की ज़रूरत है, कौन है भाई पूनम, सोनू सूद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई फिल्म इंडस्ट्री से, बताओ भाई जल्दी बताओ भाई जल्दी, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर बंद करते हैं तो कौन से कंटेंट मिटा देता है, इसका भी भाई रैम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रैम है वही एक ऐसा जो है मतलब कि जो अपने आप जो मतलब जो कंटेंट्स होते हैं उनको अपने आप मिटो देता है, जो रैम के कंटेंट्स होते हैं उनको, जैसे आप लोग कंप्यूटर को बंद करते हो। अगला क्या, USB खालिस्तान संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है, विच टाइप ऑफ USB डैश स्टोरेज डिवाइस, जो USB हुआ है तमना नाम सुना हुआ USB केबल, जोकर जो फोन थी और कंप्यूटर थी जोड़िया करा या फिर मतलब कंप्यूटर का मैं जो लग गया करा है तो वह जो USB डिवाइस हुआ है या फिर कई बार पेन ड्राइव भी USB स्टोरेज डिवाइस हुआ है तो वो कौन सी श्रेणी का डिवाइस हुआ है, द्वितीयक सहायक तृतीयक या प्राथमिक, बताओ भाई जो USB स्टोरेज डिवाइस हो वो कौन सी श्रेणी का डिवाइस हुआ है, द्वितीयक तृतीयक प्राथमिक या फिर सहायक, जल्दी बताओ भाई।
यूएसबी डैश संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? पूनम खानो का पूजा है वो लड़की, कौन सी लड़की भाई? भूपेंद्र सिंह नो कंप्यूटर की क्लास कब होती है भाई? आज जैसा स्टार्ट करी है इससे टाइम 8:20 पर, अपनी सारी क्लास 8:20 पर शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, द्वितीय श्रेणी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो यूएसबी है वो द्वितीय श्रेणी की स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो भाई, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है यूएसबी, ठीक है। यूएसबी है वो कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस पूछ ले तो कौन सी हुआ है? रोम, जो रोम हुआ है कंप्यूटर का, मैं ये बताई थी, मतलब कि रीड ओनली मेमोरी हुआ अगर जो स्टोरेज का, जो कंप्यूटर का जो अपने आप जो नेचुरल स्टोरेज हो अगर जो करता है फोन ना में अगर 32 GB इंटरनल मेमोरी, तो उसकी रोम बोल रहे हैं। तो जो रोम हुआ है या प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी हुआ है और जो सेकेंडरी हुआ है उसका मैं ये आ जाए, ये जो कर पेन ड्राइव पुन ड्राइव कार्ड रीडरी सब की में, ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई? खालिस्तान एक भंडारण युक्ति नहीं है, डैश इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, इन चारों का मैं तो कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस को नहीं, जल्दी बताओ भाई। मनीषा राजपूत, अंजलि खत्री भिवानी में कौन है और कहाँ है? ब्लड मैं दे सकती हूँ, भिवानी की ही हूँ। पापी बाबा, रीजनिंग की ना लेता के, रीजनिंग भी ले लेंगे रे जकोई, जल्दी बताओ भाई। कैंसर है सर, पूजा को देसी ताऊ जी की वीडियो देख लो सर जी। अच्छा भाई, मन्ना कौन मेरा भाई? मन्ना तो आज सारे दिन तो व्यस्त था, मैं तो इब्बे फोन उठाया था, ठीक है भाई। सनी स्वीट इन होगा, जिसको कैंसर है वो पूजा है भाई। एक बार भाई कोई मतलब बताइयो भाई, डॉक्टर से ने मना कर दिया ट्रीटमेंट करने का, पैसे की कमी के कारण उसके हेल्प की ज़रूरत है भाई। मना इसकी कोई नॉलेज को नहीं भाई इस मैटर की, तम बता दियो एक बार थोड़ा कोई भाई बताना चाहो तो। मना वैसे इस मैटर की कोई नॉलेज को नहीं भाई, पूजा कौन है, ब्लड कैंसर है, मना पूरा मैटर है कौन मेरा के मैटर है, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे जिदे मेरा पट्टा जिदे की मैं मदद करांगे। तो डैश इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, कौन सा है जो स्टोरेज डिवाइस को नहीं? तो लिनक्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। लिनक्स की है विंडो है भाई, लिनक्स के हुआ है विंडो हुआ है, जुकर तारिया को नहीं होती के कंप्यूटर की विंडो हुआ है, तो कंप्यूटर की विंडो है अगर लिनक्स, बाकी है तीनों के तीनों आईपॉड पेन ड्राइव और फ्लैश डिस्क तीनों के तीनों तारे स्टोरेज डिवाइस हैं, लेकिन जो लिनक्स है वह एक विंडो है, लिनक्स हुआ अगर है और माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट भी विंडो है, उसका अलावा एक वो है अगर वो आईपॉड हो अगर के नाम है आईपॉड नहीं वो है अगर मैकबुक हो अगर शायद की मिसा हो अगर वो एप्पल वाले आएंगे वो विंडो है अगर, ठीक है, ये तीन डाल की विंडो है अगर भाई, एक लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट और एक और है एप्पल वाले की। अगला क्या है? दो या अधिक पॉइंट के बीच स्थायी तौर पर जुड़े हुए सर्किट को क्या कहते हैं? व्हाट इज ए परमानेंटली कनेक्टेड सर्किट बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स कॉल्ड? दो या दो से ज़्यादा पॉइंट के बीच में जो सर्किट जो कनेक्ट हुआ है उस सर्किट की के बोल रहे हैं, जल्दी बताओ भाई। यो प्रश्न भी आयोड़ा है हरियाणा पुलिस का हमें, ठीक है, बताओ भाई। जैनू नुका है भाई, साइंस वाली वीडियो की एक बार कमेंट पढ़ना फिर से चेकआउट करना जरूरी है कुछ भाई, साइंस वाली वीडियो को बिल्कुल भाई मोहित यादव कर लेंगे भाई चेकआउट, जल्दी बताओ भाई। इसका आंसर बताओ कि है दो या दो से अधिक पॉइंट के बीच स्थायी तौर पर जुड़े हुए सर्किट को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा प्राइवेट लीज्ड लाइन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्राइवेट लीज्ड नहीं आओगा, यह आओगा लीज्ड, ठीक है, प्राइवेट लीज्ड लाइन, प्राइवेट लीज्ड लाइन बोल रहे हैं दो या दो से अधिक सर्किट के बीच के जुड़ी लाइन को, या कौन सी लाइन हो है इसका प्रयोग कराया जाए अगर बैंका में कंपनियां में, जुकर मान लो भाई तारा कंप्यूटर है और जुकर मेरा कंप्यूटर या फिर मतलब चार पांच जने का कंप्यूटर है, ठीक है, उन कंप्यूटर का मैं मान लो भाई एक के चीज़ की मतलब एक के सिस्टम चलना चाहिए और कुछ ये अंडबंड नहीं चला सकते, ठीक है, मतलब जुगर कई हो कंप्यूटर में कि मैं और खोल लिया तो वो ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खोल सकते कंप्यूटर का, मतलब एक तार का गेला उन सारे कंप्यूटर ना एक के नेटवर्क का गेला जोड़ते हैं, तो उस बोले हैं प्राइवेट स्विच्ड लाइन, प्राइवेट लीज्ड लाइन, ठीक है, प्राइवेट लीज्ड लाइन बोल रहा हूँ उसकी जो कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर के पॉइंटों को कनेक्ट करने में काम आया अगर जुगर बैंक का मैं जुगर एक के डाल का सॉफ्टवेयर चल लिया अगर कंप्यूटर का मैं भाई जुगर पीछे गिन लिए वो कर लिए तो बैंक का अपना खुद का
का सॉफ्टवेयर हुआ है तो वो किसका माध्यम तक कनेक्ट हो, इस लाइन का माध्यम तक कनेक्ट हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं। व्हाट आर प्रोग्राम्स लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर कॉल्ड दैट एक्ट एज नेविगेबल विंडो इन द वेब। मतलब कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो अपना नाम सुना होगा, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं जो कि विंडो के अंदर नेविगेबल, जो कि वेब के अंदर नेविगेबल विंडो के रूप में काम करते हैं। जल्दी बताओ भाई, नॉलेज नो कब है कि टाइम चेंज कर लो सिस्टम का भाई, भाई और किस टाइम करा भाई, सही टाइम है यो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, जल्दी। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं। मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वेब ब्राउज, ठीक है, वेब ब्राउजर कहा जावे हूं थी जो कि नेविगेबल विंडो का काम करते हैं वेब का। मैं तमाम देखें वेब ब्राउजर कौन कौन से, कई बार ऑप्शन भी आ जाए जो कर क्रोम ब्राउजर हो है, ठीक है, क्रोम ब्राउजर हो है, और उसका न्यारा कौन सा होया करा है, मेरा तो एक के ध्यान है एक ओपेरा होया करा है, ठीक है, ओपेरा हुआ है, और नीब तो घने डाल के ब्राउजर है गए, ठीक है, ये सारे के सारे किसका काम कराया कर रहे हैं, नेविगेशन विंडो का काम कराया कर रहे हैं, वेब कम है। अगला प्रश्न क्या है, खालिस्तान ये है सबसे, एक बार इतना थोड़ा छोटा कर दूँ, यो प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तारा बर्गिया खातर, दो यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, मतलब खालिस्तान इनका मैं तो चारवा का मैं तुम्हें बतानी है कौन सी शहरा में घनी लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी, बताओ भाई कौन सी है वह सारे में गणी मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी कौन सी वह सारे में मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी है, संप्रेषण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन, संप्रेषण का मतलब के बाद देना बेरा कोनी, कम्युनिकेशन भाई, ठीक है, संप्रेषण का मतलब वह है कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन हुआ है जो करता हम कम्युनिकेशन कौन कर दे, व्हाट्सएप पर लागे रहो, फेसबुक पर लागे रहो, इंस्टाग्राम पर लागे रहो, तो वो जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो है वो इंटरनेट की सारे पॉपुलर एक्टिविटी। आज के दिन में इंटरनेट चल रहा किस वजह का है, सिर्फ इससे की वजह से चल रहा है, सारे के सारे लग रहे हैं कम्युनिकेशन में, वो आपकी फिटिंग बिठाने लग रहा है, वो आपकी फिटिंग बिठाने लग रहा है, सारे आपकी फिटिंग का चक्कर में लग रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है भाई, ईमेल पते के दो भाग कौन से, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस, जो एक ईमेल एड्रेस हुआ है उसके दो पार्ट है, उन दो पार्ट के एक एक के नाम है, बताओ भाई ईमेल एड्रेस के जो से दो पार्ट हुए हैं उन दो पार्ट के एक एक के नाम है, उन पार्ट के नाम बता दो भाई जल्दी सी, जल्दी जल्दी, ईमेल एड्रेस के दो भाग हैं उनके नाम बता दो कौन कौन से हैं। शोभराज नुका सर मेरा नाम ले लो, मोनिका रेखा ले लिया भाई, बताओ भाई ईमेल पते के दो भाग हैं उनके किक के नाम हैं, मैं बता देता हूँ, यूज़र नेम और डोमेन नाम दो है, अगर ये पर्सन आयोड़ा हरियाणा पुलिस का, हमें यूज़र नेम और डोमेन नाम, ठीक है, यूज़र नेम तो है अगर भाई जिसका दौरा था हमने ईमेल भेजनी है, जो अगर जिसकी भी जो भी मतलब ईमेल एड्रेस है खालिस्तान एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, ठीक है, ये तो है अगर यूज़र नेम, डोमेन नाम हो अगर मतलब इसका सब्जेक्ट के है, ठीक है, मतलब किस उद्देश्य था ईमेल भेजी जान लग रही है उससे बोला डोमेन नाम, तो यूजर नेम और डोमेन नाम है दोनों के दोनों चीज़ हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्या है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, व्हाट इज़ द वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी वेब पेज है, कोई भी इंटरनेट का पेज है, ठीक है, इंटरनेट का पेज था ना कि मैं सर्च कराई वेबसाइट आगे गणी है, तो ये मान लो तो हम किसी भी वर्ड का ऊपर क्लिक करो हो तो और किमें नई चीज़ खुला है, तो वो किस चीज़ की वजह से खुला है, कौन सा बटन की वजह से खुला है, यो पूछा भाई जल्दी बताओ भाई, अगर तो हम एक बटन पर क्लिक करो हो और गणिए चीज़ खुल जाए तो वो कौन सा बटन की वजह से खुला है, ओ बताओ भाई। सर कंप्यूटर सिस्टम का बोल रहा हूँ टाइम चेंज, कंप्यूटर सिस्टम का टाइम चेंज, अच्छा यो सपेर है यो 23:14 रपड़ा रहने दिवार इसका के है, मैं कौन थेड़ा करूँ इतना गणा आप ही, मैं छेड़खानी करूँ काम का बंद हो जाएगा चालन और ने फिर हंड हो गए मुँह भाई क्लास कौन लग दी, बिल्कुल भाई तन्नू भारद्वाज का ठीक है, हाइपरलिंक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक के माध्यम से अगर आप लोग मतलब हाइपरलिंक का काम ही हो है दो वेब पेज को आपस में कनेक्ट करना, मान लो भाई तो हमारा जो कर आड़ा कुछ भी वेबसाइट है कुछ भी आड़ा खुल रहा है, मान लो कोई तो हम फिल्म सर्च करो हो वह फिल्म की वेबसाइट है या आड़ा तो हम जो करे तो हम इस जो करिए इस वेबसाइट पर दबोगे नो क्लिक करोगे जो भी वर्ड है उसके ऊपर तो अगला एक अगला पेज खुलेगा, तो वो जो अगला पेज और जो पहला पेज जो वर्ड जो लिंक है ना
ये किसका द्वारा लिंक हुआ है, हाइपर लिंक का गेला लिंक हुआ भाई। अगला प्रश्न के उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल दैट इज अटैच्ड टू ईमेल एंड सेंड टू द रिसिपिएंट ऑफ द ईमेल। मतलब कि भाई ईमेल का गेला अटैच करी जा हुआ फाइल और जो सा ईमेल व्यक्ति जो प्राप्त कर रहा है उसका द्वारा पहुंचा गया है तो उस फाइल का क्या नाम है बताओ भाई। उस फाइल को क्या कहते हैं जो कि ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, जल्दी बताओ भाई। नितिन उड्डानों का मास्टर छोरिया का नाम ले हुआ है बस, और क्या करा भाई, ताम ले सको मैं कौन ले सकता है, जागन है लेट जिस टाइम जागो उस टाइम सफेरा, बताओ भाई बताओ। उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, बिल्कुल भाई लगभग आगे ऑप्शन नंबर डी आवे है, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट जो करता हमने देखा हुआ, जो करता हम किसी के जब पेपर पापर चाल दे हों तो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी आगे तो बेरा होगा था हमने एक आड़ो जो ईमेल का जो निशान हो ना उसके ऊपर एक नो छल्ला सा बना हुआ है, यो नो एक तार सा, ठीक है, इसका ऊपर कदे क्लिक करके देख लियो आड़ा लिखा हुआ अटैचमेंट। ठीक है, यो अटैचमेंट होया करे इसका गेला आप ही कोई भी फाइल अटैच करके किसी का द्वारा ही भेज सका हाँ। ठीक है, किसी का द्वारा कुछ भी भेजना हो तो इस अटैचमेंट का द्वारा भेजा जा है। अगला प्रश्न क्या है भाई, वेब पेज वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को ग्राफिक्स और ध्वनियों को खालिस्तान किया जाता है। अगर वेब पर कुछ भी चीज़ हमें एक्सेस करनी है, मतलब द ग्राफिक्स एंड साउंड्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू बी एक्सेस्ड ऑन द वेब आर, मतलब कि अगर हमें कोई भी ग्राफिक्स या फिर डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने हैं कोई भी मतलब इंटरनेट की वेबसाइट है तो वो किसके माध्यम से एक्सेस होते हैं बताओ भाई। वेब पेज पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और ग्राफिक्स और ध्वनियों को खालिस्तान किया जाता है। वेब पर मतलब कि अगर हमें वेब पर कुछ भी चीज़ एक्सेस करनी है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स ग्राफिक्स और ध्वनि, यानी कि कोई भी ग्राफिक्स का मतलब कोई भी जो कर फिल्म है, ठीक है, उसका हमें जो साउंड आया है ध्वनि, उनको क्या किया जाता है जिसकी वजह से आप उनकी वेब के ऊपर एक्सेस कर सका, मतलब आप उन वेबसाइट के ऊपर आप उनके ऊपर पहुँच सका उनकी देख सका। ठीक है, तो उनकी क्या करा जाओ है ग्राफिक्स और ध्वनियों को, जल्दी बताओ भाई के करा था जिसकी वजह से आप उनकी देख सका हाँ। मोनी चोकरनों का फीमेल पेपर के लिए कुछ बताओ भाई। भाई फीमेल पेपर के लिए क्या बताऊँ, 18-19 तारीख का पेपर है, 10 तारीख का आसपास एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 5 या 6 तारीख तक दिल्ली हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर और इंडिया जीके की एक मिक्स सीरीज डेली रहतना 8 बजे चलिया करेगी लाइव। ठीक है, और तारी मतलब सही रिवीजन करवा दियो उसका, मैं मैथ रीजनिंग मतलब उन्होंने समझ लिया कि डालता डेली एक पूरा तम पेपर सोल्व कर दोगे, पूरी एक घंटा की लाइव क्लास लिया कराएंगे जिसका मैं मैथ रीजनिंग भी आऊँगी सब की मैं आऊँगी, मतलब मिक्स मसाला होगा, इंग्लिश हिंदी के भी प्रश्न गेड़ूँगा सारे हरियाणा जीके इंडिया जीके पूरी की पूरी एक डेली एक पेपर सा होगा 18-19 तारीख तई। ठीक है भाई, जल्दी बताओ भाई इसका क्या होगा, इसका आ जाएगा भाई लिंक। ठीक है, उन सब को आप पसरी में लिंक करना पड़ेगा जो कर जो भी मतलब आपकी जो भी आपके मतलब ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स का मतलब जो समझ गए होगे जो कर जो भी मतलब मैं तारती दिखूँ वीडियो तो ये सारे ग्राफिक्स हैं और जो मेरी आवाज़ आओ इसी बोलो ध्वनि इनती आप पसरी में क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा जिदे आप इनती वेब पेज पर एक्सेस कर सका हाँ भाई। ठीक है भाई, इंग्लिश की क्लास कब करोगे मिस एंजल चौधरी पूछा, कराएंगे भाई सारी क्लास कराएंगे, फीमेल सुपरवाइज़र का भी बताना भाई, फीमेल सुपरवाइज़र की भाई भाई एग्ज़ाम डेट को नहीं आई है। ठीक है, अगला के है सफल डेटा संचरण के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को किस तरह के कोड प्रयोग करने चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ कोड शुड बी यूज्ड बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर फॉर सक्सेसफुल डाटा ट्रांसमिशन। मान लो भाई मैं किसी का द्वारा डाटा भेजू हूँ, अगला लेनिया है डाटा, तो हम दोनों के बीच में किस डाल के कोड आदान प्रदान होने चाहिए, मतलब हम दोनों के बीच में किस डाल के कोड हैं वो आदान प्रदान होने चाहिए जिससे भाई अच्छी डाल तक डाटा ट्रांसफर हो जाए आपस में। ठीक है, जल्दी बताओ भाई निशान पटरनों का सर जी 2 घंटे लाइव क्लास ले लिया करो भाई, 2 घंटे यार टेम को नहीं आ रही इतना, मैं तो सारे दिन ले लूँ मेरा के है सर जी। ये पीडीएफ मिल सकती क्या भाई, बिल्कुल मिल जाएगी भाई, पीडीएफ मिल जाएगी प्रदीप शर्मा भाई सारे दिन मिल जाएगी पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पा जाएगा सर। एक क्लास दिन में भी ले लिया करो, कोशिश कराएंगे भाई दिन में लेने की, जल्दी बताओ भाई इसका क्या आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समान, मतलब कि दोनों के दोनों कोड हैं वो समान होने चाहिए। जो कर तमने देखा कौन कदे भी ब्लूटूथ कनेक्ट करो आपस री में, ब्लूटूथ देखा हुआ तम आपस री में नहीं, जो तम फोन के ब्लूटूथ कनेक्ट करो हो तो उन फोन के ब्लूटूथ में जो कर कोई भी फाइल शेयर करनी है तो एक अलग हो रहा है कोड जाएगा। अगर चार अक्षर का पूछेगा भाई कन्फर्म कर दें इस कोड को, पेयर कर दें, फिर उस पेयर वाला बताबोगे, फिर इस फोन में भी मैसेज आओगे भाई यो सेम कोड, तो वो जो सेम जो कोड होया करे उसकी वजह से सफल मतलब कि एक सक्सेसफुल डाटा ट्रांसफर होया करे। अगला प्रश्न के यदि आपको कंप्यूटर खुद, यदि आपका कंप्यूटर आपको नहीं आओगा भाई, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रीबूट करता है तो संभावना है कि खालिस्तान, इफ़ यू फाइंड द कंप्यूटर कीप्स रीबूटिंग इटसेल्फ देन चांसेस आर, मतलब कि अगर आपका कंप्यूटर खुद को अपने आप रीबूट करने लग रहा है, रीबूट का मतलब भी बताऊंगा तारती के हुआ है, तो इसका मतलब के है के प्रॉब्लम आ रही है कंप्यूटर में, बताओ भाई। अगर आपका कंप्यूटर अपने आप को रीबूट करने लग रहा है तो इसका मतलब के है कंप्यूटर का में के प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई जल्दी। अगर आपका कंप्यूटर अपने आप आसू प्रजापतन का पेड बैच है क्या, मेरा तो नू कौन समझ मान दी, लोगा ना फ्री का चीज़ की जो फ्री में जो चीज़ मिलने लग रही है, मैं ज्ञान लुटान लग रहा हूँ, इसकी कोई वैल्यू कौन समझे, मतलब पेड बैच जरूर चाहिए भाई। किसी ने सही कही है, एक दो जने और मेरे साथी नू कहा कर दे कि यूट्यूब पर पढ़ाने का कोई फायदा कौन, पेड बैच लॉन्च कर उससे का फायदा मिलेगा, यूट्यूब पर तो मतलब पढ़ाओगा ना फ्री का ज्ञान की कोई कीमत नहीं समझता, पेड चाहिए लोगा ना। अरे पेड बैच का मैं न्यारा क्यों होता, हमनू तो बता दो पेड बैच का मैं कि मैं न्यारा पढ़ाया था, कोई लाइव पढ़ाने लग रहा और इस तरह न्यारा के चाहिए भाई, और इस तरह बढ़िया सुविधा क्यों, एक तो रिकॉर्ड करके गे रहा हूँ ईसा तो कोई सांग कौन लाइव पढ़ाने लग रहा, तो हम जो कर दो जो कि जो मतलब डायरेक्ट की डायरेक्ट आदान प्रदान हो अपने मैसेज का, डायरेक्ट की डायरेक्ट बातचीत हो है ठीक है, तो भी तारा समाई को नहीं होती, तो भी पेड बैच करने लग रहे हो, पेड बैच में कि मैं न्यारा पढ़ाया जाएगा है, यो पेड बैच में पढ़ाया जा है। अगला इसका आंसर बताओ भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें वायरस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है भाई। अगर मतलब कि कभी भी आपका कंप्यूटर अपने आपको रीबूट करता रहता है तो उसका मतलब क्या है भाई, उसके अंदर वायरस है। रीबूट का मतलब क्या है, रीबूट का मतलब है भाई जो कर मान लो कंप्यूटर का में जो सारा डाटा हुआ अपने आप कंप्यूटर अपने आपको रिफ्रेश कर लिया है, यानी कि एक बार कंप्यूटर का सारा डाटा डिलीट हो गया फिर तो नई विंडो स्टार्ट होगी, फिर कंप्यूटर का सारा डाटा डिलीट हो गया फिर तो नई विंडो स्टार्ट होगी ठीक है। तो वो जो रीबूटिंग की जो प्रोसेस है स्थिति बोले रीबूटिंग भाई, मतलब कि जो डाटा अपने आप मतलब डिलीट होता रहा है ठीक है, और उसका पाछा अपने आप नई विंडो ओपन हो जा है, तो उसके बोले हैं रीबूटिंग भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, एक आईपी एड्रेस खालिस्तान बिट की संख्या का होता है, चार ऑप्शन दिए गए भाई, कोई भी अगर आईपी एड्रेस हुआ है ठीक है, कोई भी आईपी एड्रेस हुआ है तो वो कितने बिट का होया अगर, यो बताओ भाई आईपी एड्रेस हो कितने बिट संख्या का हुआ, यो प्रश्न पूछा गया है, जल्दी बताओ भाई आईपी एड्रेस है वो कितने बिट संख्या का होता है फास्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32 बिट का होया अगर है ठीक है, आईपी एड्रेस हो कितने बिट का होया अगर है, 32 बिट का होया अगर भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है, ISDN है जो इसका संक्षिप्त रूप के है, ISDN का संक्षिप्त रूप बता दो भाई, ISDN ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बता दो कौन सी है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ISDN की फुल फॉर्म क्या है भाई, जल्दी बताओ भाई। गुरु जी कंप्यूटर कितने नंबर का होगा भाई, कंप्यूटर तो वही 10 नंबर का है भाई, सोनू सूदन का आपके टीच करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा बिंदास है, धन्यवाद भाई सोनू सूद। आगे बताओ भाई इसका आंसर बताओ, ISDN की फुल फॉर्म के है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ISDN की फुल फॉर्म के है, जल्दी बता दो भाई। उषा बेवल नु कहा प्रवेश जी लिसन मी प्लीज, वाह भाई वाह उषा बेरवल सही है भाई, जल्दी बताओ भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ठीक है, इस डाल की फुल फॉर्म भी पूछ लिया अगर, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है यो ISDN का संक्षिप्त रूप है भाई ठीक है, ISDN का संक्षिप्त रूप के है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क भाई। तो भाई आज की क्लास अपनी होगी है मतलब समझो भाई कंप्लीट होगी है, कल भी ला गई क्लास, कल का टॉपिक बता दो भाई, कल किस चीज़ का टॉपिक के ऊपर
क्लास लगेगी नो बता दो किस चीज़ का टॉपिक पर क्लास लेवा 8:20 पर लाइव क्लास लगेगी ठीक है कल रात को 8:20 पर लाइव क्लास लगेगी टॉपिक तो हम कमेंट करके बता दो कौन सा टॉपिक पर क्लास लेनी है जल्दी बता दो कौन सा टॉपिक पर लाइव क्लास लेनी है कल 8:20 पर जो करता हमने कल बताई थी कंप्यूटर की तो नुए आज फिर बता दो किस चीज़ का ऊपर लाइव क्लास लेनी है तम जो बताओगे उससे टॉपिक का ऊपर लाइव क्लास ले ली जाओगी भाई ठीक है कल 8:20 पर कौन से टॉपिक की लाइव क्लास लेनी है जल्दी बता दो भाई कल 8:20 पर कौन से टॉपिक की लाइव क्लास लेनी है जल्दी बता दो भाई पायल नुका रीजनिंग के ले लो कोई नुका हिंदी के ले लो कोई मैथ मैथ साइंस रीजनिंग मैथ हिंदी भी करवा दो एनिमल हस्बेंड्री रीजनिंग मैथ उत्तरी गारा थोड़ी आराम तो भाई पढ़ूंगा कुकर मैं इंग्लिश साइंस इम्पोर्टेंट इंग्लिश इंग्लिश भाई एक वो गेट दुआ मैं ठीक है पोल गेट दुआ चैनल के ऊपर वो देखो जिसके ऊपर मैं वो क्वेश्चन से गेड़ा करूँ कम्युनिटी टैब कम है भाई कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर था हम चार ऑप्शन क्लिक कराया करो नुए तारती चार या पांच सब्जेक्ट दे दूँ ऑप्शन वन तो मैंने बेरा कौन पढ़ जाता हम कौन से कहो हाथ देखे मैं कम हाथ देखे मैं कम है ठीक है तो उसका मैं जोन सा के वोट गणे पड़े पाऊंगे ना जोन सा सब्जेक्ट की घनी डिमांड पाओगी भाई अगर मैथ की घनी डिमांड है या फिर रीजनिंग की घनी डिमांड है तो कल उससे सब्जेक्ट की या फिर इंग्लिश हिंदी जोन सा भी सब्जेक्ट की कल घनी डिमांड मिलेगी तो उससे की क्लास ले लें कल वो मैं पोल कर दूँ एक ठीक है कल सुबह सुबह डाल दूँगा वो पोल या फिर दिन में डाल दूँगा जिस भी टाइम तब ना बेरा बैठ जाएगा उस पोल पर तब मतलब जोन सा के ऊपर गणे क्लिक होंगे ना तो उससे सब्जेक्ट की लाइव क्लास ले ली जाओगी भाई कल ठीक है भाई तो भाई सारे ती राम राम धन्यवाद गुड नाइट सो जाओ लांडा ले लो सारे के सारे पोलू कौन बेटा सुखी पोल कहूँ हूँ पोल उल्ट पुलट बोलना छोड़ जो तम सुधर जाओ ठीक है भाई सारे ती राम राम धन्यवाद गुड नाइट भाई सारे ती